हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कि वाईफाई स्टडी परिवार के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका आरआरबी जेई के अंदर सिलेक्शन हुआ है, और उन्हीं में से एक स्टूडेंट है अपने जिनसे आज हम मिलने वाले हैं, जो कि है पीयूष शर्मा। कांग्रेचुलेशन पीयूष, आपका सिलेक्शन हुआ जेई के अंदर। तो हाँ, पीयूष के बारे में आपको थोड़ा बहुत कुछ बताना चाहूंगा। पीयूष बिलोंग करते हैं जयपुर से और अजमेर जोन से इन्होंने फॉर्म फिलअप किया था, और कुछ सालों से जो है प्रिपरेशन कर रहे थे, और फाइनली जो है इनका जो एम था वो इन्होंने अचीव किया। तो पीयूष के बारे में जानते हैं दोस्तों। जैसा कि हमेशा हम हर एक अपने सक्सेस स्टोरी के अंदर कवर करते हैं कि बैकग्राउंड किसी भी स्टूडेंट का क्या होता है, उसके बाद में कॉलेज, उसके बाद में किस तरीके से प्रिपरेशन करी, वो सभी चीज़ें आज हम पीयूष से जानने वाले हैं। तो पीयूष, अपने बारे में कुछ बताइए कि अपने स्कूलिंग कहाँ से करी है, कहाँ पे रहते हैं, बॉर्न एंड ब्रॉटअप कहाँ पर है, अपना कॉलेज कहाँ से किया है आपने? सर, मेरी स्कूलिंग यहाँ जयपुर में ही हुई है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। उससे पहले मैंने बीएनपी से भी स्कूलिंग की थी, उसके बाद मतलब जेई मेंस दिया तो उसमें अच्छी रैंक आई थी, तो एनआईटी भोपाल मिला था मेरे को। एनआईटी भोपाल में फिर इंजीनियरिंग करी, लेकिन प्लेसमेंट में इतना मतलब प्लेसमेंट मेरा नहीं हो पाया। ओके। फिर उसके बाद में मैंने गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करी। ओके। गेट में भी लगातार 2 साल मेरे को इतना मतलब सक्सेस नहीं मिली, क्योंकि मेरे मार्क्स बिल्कुल ऑन द लाइन आ रहे थे। ओके। मार्क्स क्लियर कर रहा था लेकिन पीएसयू के लिए पीएसयू चाहिए थी डेफिनेटली, उसके लिए काफी हाई स्कोरिंग मार्क्स चाहिए, उसके लिए इंटरव्यू कॉल्स उसके लिए नहीं आ रहे। ओके। मेन एमटेक का मिल सकता था मेरे को, लेकिन मेरे को मेन नेम था कि पीएसयू चाहिए, मेन नेम जॉब भी था। ओके। कि जॉब चाहिए, क्योंकि फादर रिटायर हो गए। ओके। तो इसलिए मेन एम ये था कि हाँ, कि अभी पहले जॉब प्रायोरिटी है। ओके। तो आपको सबसे पहले किसने गाइड किया कि आरआरबी जेई देना चाहिए? आपके घर के अंदर कोई पहले है गवर्नमेंट जॉब के अंदर, कोई और है? फादर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में। ओके। राजस्थान के अंदर? राजस्थान के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में थे, अब रिटायर हो चुके हैं वो। ओके। 2018 में रिटायर हुए थे। तो उसके बाद में मेन एम यही था कि अब गवर्नमेंट जॉब में जाना है, क्योंकि अब प्राइवेट के लिए फिर स्कोप नहीं बचा था, क्योंकि एक जैसे साल बढ़ते हैं वैसे वैसे आपके पास टाइम नहीं रहता, कि प्राइवेट में आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए, और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आपको उतना पैकेज नहीं मिल पाता डेफिनेटली। तो इसलिए फिर मेन एम गवर्नमेंट जॉब का ही रखा, तो आरआरबी जेई की निकली तो फिर मैंने कहा कि हाँ, इसको भर सकते हैं। Okay. क्योंकि उससे पहले मैंने ELP का दिया था, ELP मैंने बिना पढ़े दिया था। Okay. ELP में मेरे फर्स्ट स्टेज में 75 आउट ऑफ 56 या 57 आए थे। Okay. और उसमें सेकंड स्टेज में मेरे 78 या 79 के आसपास आए थे। Okay. तो मैंने सोचा कि अगर बिना पढ़े उसमें इतने ला सकते हैं, तो इसके अंदर पढ़ के तो बहुत सारे बहुत ज्यादा ला सकते हैं। तो वहाँ से मोटिवेशन मिला, वहाँ से मोटिवेशन मिला मेरे को। ओके। फिर मैंने वाईफाई स्टडी क्लासेस लेना स्टार्ट किया। मेन आपके वो क्या है, हम इंजीनियर्स बहुत ज्यादा आलसी होते हैं, मेन थिंग है कि एक साथ हमको दे दो। सही बात है। तो हमने मैंने क्या किया, वो 500 क्वेश्चंस की जो अभी सीरीज थी ना, वो देखी, वो मैंने 4-5 घंटे में पूरी कर ली वो वाली, और एक दो आपके और वीडियोस थे उससे रिलेटेड ही, तो वो सब ऐसे निपटा दिए। ऐसे ही शिप्रा मैम के वो साइंस की वीडियोस थे, तो वो मैंने पूरे निपटा दिए हैं, और ये नीरज सर के फिजिक्स के थे, तो उनसे मेरे को बहुत हेल्प मिली CBT 1 में। CBT 1 में मेरे 81 आउट ऑफ 99 आए थे। ओके। फिर उसके बाद में मैंने और भी एग्जाम से मेरे को इसमें हेल्प मिली, जैसे CGL में। CGL में मेरे को बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था वैसे, तो CGL में मैं गया, वैसे ही उठ के गया था मैं। तो मेरे आए थे CGL में अराउंड 154 आए थे। 154 तो काफ़ी अच्छे नंबर है CGL में, लेकिन उसमें फिर मेरे सेकेंड स्टेज में रह गया। Okay. तो फिर आरआरबी का जब मेरा रिजल्ट आया, CBT 2 के लिए बहुत कम टाइम था। okay. तो मैंने प्लस कोर्स ज्वाइन कर लिया। okay. प्लस कोर्स में आपके आपके वीडियोस थे, और इलेक्ट्रिकल के लिए आशीष सर के वीडियोस थे, तो मैंने मतलब कंटिन्यूसली उनके वीडियोस देखता था कि हाँ। okay. वो मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती थी, क्योंकि क्या होता है कि जैसे अपन गेट एग्जाम देते हैं, ESC एग्जाम देते हैं, तो उसमें पैटर्न बिल्कुल अलग होता है। उसमें पैटर्न होता है पूरा न्यूमेरिकल टाइप, बट आरआरबी जो एग्जाम है उसमें रहता है पूरा थियोरिटिकल टाइप, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं उसमें। तो मेरा मेन एम यही था कि अब प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस के लिए ज्यादा से ज्यादा जितने क्वेश्चंस देख सकते क्वेश्चंस कर सकते हैं उतना सही रहेगा, उतना सही रहेगा। okay. तो मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखे सर के, आशीष सर के, और प्लस कोर्स पे तो मैं देख ही रहा था, तो उससे मेरे को बहुत हेल्प मिली थी। और कितने पेपर दे दिए होंगे आपने, जैसे कि अभी सिलेक्शन हुआ है आरआरबी जेई के अंदर, ये फर्स्ट पेपर है जो कि आपका निकला है आई गेस फ्रॉम द पास्ट 2 इयर्स? फर्स्ट पेपर तो नहीं बोल सकते,
मतलब एंड ऑफ द लाइन तक जिसका जॉइनिंग लेटर आपके पास में आने वाला है, ये फर्स्ट पेपर है, उससे पहले कितने गवर्नमेंट एग्जाम्स है जो कि आपने दिए हैं अभी तक? उससे पहले मैंने ESC के दिए थे एग्जाम, तो ESC में तो फर्स्ट स्टेज क्लियर नहीं हो पाई थी, और RVUN का JEN का एग्जाम दिया था, उसमें मैं डेट ऑफ बर्थ से रह गया था, और उसके अलावा SSC का दिया था मैंने, SSC JEE का, तो उसमें भी मेरा क्लियर नहीं हुआ था, मतलब उसके बाद CGL दिया, उसके बाद अभी ये वाला CGL दिया था मैंने, और FCI का दिया है मैंने, तो FCI का भी रिजल्ट अवेटेड है अभी। तो गाइज काफ़ी सारे पेपर हैं जो कि यहाँ पे पीयूष ने अभी तक दे रखे हैं, और काफ़ी बच्चे जो है मेरे से ही सवाल पूछते रहते हैं कि सर मैंने 5 पेपर दे दिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैंने 7 पेपर दे दिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो पीयूष की स्टोरी भी कुछ वैसी ही है जैसे कि मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि दोस्तों टाइम लगता है डेफिनेटली, अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो कभी भी ये मत सोचिए कि अगर आपके 2 पेपर नहीं निकले हैं, 4 पेपर नहीं निकले तो आगे भी नहीं निकलेंगे। ये एक मोटिवेशन जो कि आपको बनाना पड़ता है, आपके कलीग्स हैं, आपके साथ के सब लोग हैं तो इनका भी सेम स्टोरी रहा है, तो आप भी दोस्तों अपना मोटिवेशन बनाए रखा करो। अगर पेपर नहीं निकल रहा है तो उसके लूप होल्स को पता करो कि क्या कौन सा सब्जेक्ट है जो कि हम उसके अंदर वीक है और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। यहाँ पे आपने बात बताई मेरे को कि मेरे को पता नहीं था कि प्लस को लेकर के आपने प्लस से भी काफ़ी हेल्प मिली आपको, तो कैसे मैनेज किया? एक बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है कि सर यूट्यूब पे करें प्लस पे करें कैसे मैनेज करें, तो आपने कैसे मैनेज किया इन सबको? क्योंकि नॉर्मली वाई फाई स्टडी के जो मेजरली स्टूडेंट है अभी तक, तो पहले तो YouTube से भी बहुत सारे हजारों बच्चों ने सिलेक्शन पाया, अब रिसेंटली काफी सारे बच्चे जो कि YouTube से भी प्लस से भी दोनों से जो है पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपने कैसे मैनेज किया दोनों को एक साथ? प्लस कोर्स और YouTube के टाइमिंग बिल्कुल अलग अलग रहते थे, तो उससे कोई मतलब प्रॉब्लम आती ही नहीं थी कि जैसे 9-10 सर की क्लासेस है, तो 10-11 सर की क्लासेस YouTube पे होती थी, तो इससे प्रॉब्लम कुछ आती नहीं थी। तो वाई फाई स्टडी का टाइम टेबल या स्केड्यूल जो रहता है वो इसी अकॉर्डिंग रहता है कि स्टूडेंट को अनअकैडमी पे भी पढ़ सकता है और यहाँ यूट्यूब पे भी पढ़ सकता है, तो इससे कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो गाइज ये बात ध्यान रखें, आप भी अगर इनकेस कभी कोई ऐसा स्टूडेंट भी है जिसके क्लैश भी हो रहे हैं अगर टाइमिंग, तो आप वीडियो डाउनलोड करके भी देख सकते हैं ना, वो बाद में भी देख सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद में आपने NIT ज्वाइन करी, NIT एक अच्छा प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ से आपका प्लेसमेंट नहीं हुआ, उसके बाद आपने गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना स्टार्ट हुआ। सबसे पहले कैसे पता लगा वाई फाई स्टडी के बारे में, कि सबसे पहले किसी दोस्त ने रेफर किया या फिर आपने खुद ने वीडियोज देखते हुए या फिर कोई ट्रेंडिंग में वीडियो आ रहा था वहाँ से पता लगा, कैसे पहुँचे वाई फाई स्टडी तक? मेन तो मेरा एक फ्रेंड है जिसका पिछले 2016 में उसमें RVPN में हुआ था, AN में, ओके AN के अंदर, ओके, तो उसने मेरे को बताया था ओके कि YouTube पे भी प्लेटफॉर्म है पढ़ने के लिए, वाईफाई स्टडी है, तो मैंने देखा अभी मतलब स्टार्ट किया जब RRB की प्रिपरेशन करनी थी मेरे को, पहले तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब RRB की प्रिपरेशन करनी थी मेरे को तो मैंने स्टार्ट किया पढ़ना, तो मेरे को अच्छा लगा कि हाँ सही है ये प्लेटफॉर्म, यहाँ पे आपको कम बहुत सारी चीज़ें गेन करने को मिलेगी है, तो इसलिए फिर इंटरेस्ट आता गया, फिर मैं उसी से कंटिन्यू करता गया। जब इतने सारे घंटे तक मोबाइल यूज़ कर रहे थे तो घर वालों ने कुछ नहीं बोला कि क्या कर रहा है, मतलब इस करियर के इस पार्ट में आके कि मोबाइल फ़ोन 4-6 घंटे लेके बैठा हुआ है, कुछ घर वालों ने नहीं बोला? कभी कभार होता था कि हाँ मम्मी डांटती थी कि क्या इतनी देर तक मोबाइल लेके बैठा रहता है, तो उनको पता था कि प्रिपरेशन हो रही है, उनको ये लग रहा था कि हाँ कुछ कर रहा है, मतलब जो भी कर रहा है नहीं, फिर बाद में मैंने बताया तो उनको समझ में आया कि हाँ प्रिपरेशन कर रहा है, लड़का प्रिपरेशन कर रहा है, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है फोन में, क्योंकि लेकिन क्या होता है पेरेंट्स का ये होता है कि वो देखते हैं कि हाँ सारे टाइम पर ही मोबाइल में है, तो इसलिए वो थोड़ा कंसर्न तो रहता ही उनका कि जॉब नहीं है अभी, उसके बाद में इतने टाइम तक मोबाइल पे लगा हुआ है, तो अभी अभी कैसे, अभी घर में सब खुश है? अभी RRBJEE के बाद में काफी अच्छी RRBJEE, आपको मालूम है रेलवे डिपार्टमेंट काफी बेटर है, काफी अच्छा डिपार्टमेंट है इंडिया के अंदर, तो अभी तो सब खुश है, लेकिन अब क्या है मेन, अब नेक्स्ट एम कुछ उससे भी अच्छी जॉब मैंने का मैं टारगेट करूंगा। तो क्या प्लान किया अभी आगे का, क्या प्रिपरेशन करने का सीन है? अभी तो कुछ नहीं, अभी तो मैं थोड़े दिन रिलैक्स करूंगा, आराम से रहूंगा, फिर बाद में जब RRBJEE का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद में देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। तो गाइज यहाँ पे पीयूष ने अपने बारे में काफी कुछ बताया कि किस तरीके से इन्होंने फोन के ऊपर, कि नॉर्मली कितने घंटे फोन के ऊपर बिताया करते थे जब इस प्रिपरेशन के दौर आपका चल रहा था, जिसमें मैं यूट्यूब भी इंक्लूड कर लूँ, प्लस भी इंक्लूड कर लूँ, तो टाइम मैनेजमेंट कैसे रहता था? क्योंकि बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम होती है सर टाइम मैनेज नहीं हो रहा, 10-10 घंटे मोबाइल लेके बैठे हुए रहते हैं बच्चे और बोलते हैं सर यूट्यूब है प्लस है मैनेज नहीं हो पा रही है कैसे, तो कैसे टाइम मैनेजमेंट कैसे किया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली किया, नोट्स बनाए हर वीडियोज में से, या फिर PDF मोबाइल में रख के बस उनको रीडिंग करना, क्या स्ट्रेटेजी क्या रखी अपनी? मेन PDF रखा था मैंने मोबाइल में वैसे तो, क्योंकि नोट्स बनाने मेरे को बहुत ज़्यादा आलस आता था। अच्छा तो मैंने बस PDF रखा और जैसे मतलब
लेक्चर्स देख रहा हूँ तो मैं क्या करता था, उनको सेव कर लेता था। अच्छा, तो सेव करके जैसे अब किसी और के डाउट आप बता रहे हो तो उस टाइम मैं स्किप कर देता था जल्दी से। ओके। और स्पीड बढ़ा देता अगर मेरे को कभी लगता है कि हाँ थोड़ा धीरे है तो स्पीड बढ़ा देता था। ओके। कि हाँ कि ये मेरे क्या होता है कई स्टूडेंट्स की स्पीड धीरे होती है, कुछ स्टूडेंट्स धीरे कैच करते हैं और मेरी थोड़ी सी स्पीड नॉर्मल है तो मैं इस वजह से मैं स्पीड बढ़ा देता था। ओके। इसलिए टाइम मैनेज हो जाता अराउंड 7 to 8 hours. तो ओके, तो इसमें कुछ ऐसा हुआ कि बीच में कोई डिस्ट्रक्शन हुआ, कई बार प्रॉब्लम्स आती है प्रिपरेशन के दौर में, ऐसा लगता है कि यार ये क्या कर रहे हैं, अब होगा कि नहीं होगा, ऐसा कुछ कभी लगा कि अब ये प्रॉब्लम आ गई है, अब कैसे प्रिपरेशन होगी? मतलब कितने लॉन्ग टाइम तक आपने प्रिपरेशन करी रेगुलर? अगर मैं मोबाइल फ़ोन से बात करूँ, अगर मैं तो डिजिटल एजुकेशन की बात करूँ, तो जैसे कि 6 महीने, साल भर, या 8 महीने, 3 महीने, 2 महीने, कितने टाइम का ये आपका ड्यूरेशन रहा? अराउंड 4 to 5 months. 4 to 5 months डेडिकेटेडली? उसमें बीच में 1 महीने का लूप आया था। अच्छा, 1 महीने का गैप आ गया। लूप आया था। ओके। क्योंकि उस टाइम ऐसा लग रहा था कि कहाँ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, थोड़ा डीमोटिवेटेड फील कर रहा था। ओके। तो इस वजह से वो उस टाइम थोड़ा बहुत लूप आया था कि मतलब 15 to 20 days मान लीजिए। ओके। तो उसके बाद फिर बाद में जैसे ही रिजल्ट आया या फिर मतलब आंसर की आई उसके बाद तो थोड़ा बूस्ट मिला कि हाँ आप कुछ कर सकते हैं, इसलिए उसके बाद में फिर प्लस का ज्वाइन कर लिया और उसके बाद में फिर सर की क्लासेस रेगुलरली ली और खुद से भी थोड़े बहुत करा, टेस्ट सीरीज दी। ओके। टेस्ट सीरीज पे लगाई तो टेस्ट सीरीज से बहुत हेल्प मिलती है। टेस्ट सीरीज एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमेशा हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में कि अगर आप एग्जाम से 1 महीने पहले तक अपना कोर्स खत्म करो, लास्ट के 1 महीने जो है वो सिर्फ क्वेश्चन लगाने की कोशिश करो, जितने प्रीवियस ईयर के हो सकते हैं या फिर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं या फिर जो भी आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाई गई है इंडिया के बेस्ट प्लेटफॉर्म के द्वारा, वहाँ पे आप जितने हो सके अपनी गलतियों को पता करें, टाइम एक्यूरेसी स्पीड को इंक्रीज करें। टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने हमेशा आपको बोला है हर एक वीडियो के अंदर की टेस्ट सीरीज दोस्तों दिया करो, अपने एग्जाम से 1 महीने पहले तक अपना कोर्स को खत्म करो और फिर 1 महीने जो है जितने ज्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं, टेस्ट सीरीज हो सकती है, वो लगाने की कोशिश करो, जिससे आपकी जो स्पीड है, एक्यूरेसी है, वो ज्यादा बेटर से बेटर होती रहे। तो पीयूष, कितने क्वेश्चन आपने लगाए होंगे टेस्ट और कितने टेस्ट है जो कि आपने लास्ट के पीरियड ऑफ 1 month की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे कितने टेस्ट लगाए होंगे आपने? मैंने अराउंड 10 to 15 टेस्ट दिए, तो उसमें आप मान लीजिए कि 150 क्वेश्चन एक टेस्ट में है। ओके। तो 1500-2000 के आसपास क्वेश्चंस हो गए। बिल्कुल। तो 1500-2000 क्वेश्चन से काफी कुछ है जो कि सीखने को मिलता है यार, काफी आपको अपनी गलतियां पता लगी होगी, कौन सब्जेक्ट वीक है कौन सा नहीं है। जैसे हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तो 2 subjects बहुत ज्यादा मतलब स्टूडेंट उस पर ध्यान नहीं देते, एक तो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, एक यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो टेस्ट सीरीज से मेरे को बहुत हेल्प मिली कि उसमें क्या है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे आए और उस टाइप के क्वेश्चंस मेरे को एग्जाम में भी आए। okay. तो उससे क्या एक दो मार्क्स का बोनस ही मिल गया कि हाँ टेस्ट सीरीज से ये तो फायदा हुआ मेरे को। okay. बाकी नॉन टेक पार्ट में देखिए तो नॉन टेक पार्ट में जैसे जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस है तो उससे रिलेटेड स्टैटिक जीके भी रहती थी कहीं टेस्ट सीरीज में रहती है। बिल्कुल रहती है। तो जब सॉल्यूशन देखते हैं तो उससे भी बहुत ज्यादा हेल्प मिली कि हाँ ये आया तो ये भी कर सकते हैं, ये आया तो ये भी कर सकते हैं। तो नॉन टेक के अंदर सब कुछ पढ़ के गए थे जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी या फिर थोड़ा थोड़ा पार्ट ही देखा था, कैसे कर रहा था प्रिपरेशन, कैसे नॉन टेक पार्ट में कैसे प्रिपरेशन करी थी? टाइम बहुत कम रहा तो जनरल अवेयरनेस का मैंने हिस्ट्री का ही देखा था आपके। okay. और ज्योग्राफी मेरे को वैसे भी बिल्कुल नहीं चलने पड़ती है, इंटरेस्ट भी नहीं है उसमें तो मैंने उसको ज्योग्राफी पर ध्यान ही नहीं दिया। और पॉलिटी मैंने पढ़ा था, पॉलिटी अच्छे से पढ़ा था क्योंकि पॉलिटी में इंटरेस्ट भी है तो पॉलिटी अच्छे से पढ़ा। बाकी कंप्यूटर वाईफाई स्टडी से ही पढ़ा था। ओके। पांडे सर हैं उनसे पढ़ा था और फिजिक्स नीरज सर की क्लासेस थी तो उससे पढ़ा फिजिक्स। और एनवायरनमेंट का शिप्रा मैम से पढ़ा है ना। और जनरल अवेयरनेस का वो 500 क्वेश्चंस की सीरीज के अलावा बाकी जो आपने बाद में जो जुलाई में भी डाली थी उससे भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिली कि उससे भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस आए थे। ओके। तो दोस्तों जैसा कि पीयूष ने बताया कि वाईफाई स्टडी से पढ़ के इन्होंने जो है एग्जाम क्लियर किया और काफी अच्छे मार्क्स स्कोर करे और अजमेर जोन से भरा है। मैंने आपको पहले ही बोला है काफी डेंजर जोन के अंदर आता है अजमेर जोन और काफी नंबर आपको एटलीस्ट आपको 3-4% एक्स्ट्रा नंबर है जो कि आपको लेने पड़ते हैं और होपफुली अजमेर जोन उनको डेफिनेटली मिल जाएगा, काफी अच्छे नंबर है जो कि इन्होंने स्कोर करे हैं। तो पीयूष, लास्ट स्टेटमेंट बच्चों को क्या राय देना चाहोगे जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे कि एसएससी जेई की या आरआरबी जेई की जो प्रिपरेशन करने वाले हैं या कोई भी इंजीनियरिंग का एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको लास्ट टिप्स क्या दोगे, कैसे एग्जाम क्रैक करना है, लास्ट के 3-4 महीने के अंदर क्या स्ट्रेटेजी इनकी होनी चाहिए और आपकी तरफ से क्या बताना चाहोगे? पहली बात तो कभी हार नहीं माननी है कि कोई सा भी एग्जाम हो आप क्रैक कर सकते हो
और जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओ तो उसकी प्रोफाइल देखो कि ये एग्ज़ाम ये डिपार्टमेंट है किस फील्ड से रिलेटेड है, तो आप वो स्मार्टली उसको क्रैक कर सकते हो कि हाँ इस फील्ड से रिलेटेड ये सब्जेक्ट है मैं जो स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ, तो उस सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करिए। और बाकी नॉन टेक पार्ट के लिए तो आप यूट्यूब पर रेफर कर ही सकते हैं वाईफाई स्टडी को। तो दोस्तों ये थी पीयूष की स्टोरी, काफ़ी अच्छी बातें जो कि इन्होंने बताई और यहाँ पे लिया वाईफाई स्टडी सिलेक्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप भी अपना सिलेक्शन जो है, जो भी आपका एग्ज़ाम का गोल है, चाहे वो यूपीएससी हो, पीएससी हो, चाहे आपका जेई हो या रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, जो भी आपका गोल है वो आप अचीव करेंगे। एंड उसके बाद आप भी जो है टी शर्ट जो है वाईफाई स्टडी डिजर्व करते हैं। एंड डेफिनेटली थोड़ी देर के अंदर मैं यहाँ पे पीयूष को भी वाईफाई स्टडी जो टी शर्ट है वो देने वाला हूँ। तो दोस्तों ये था एक सक्सेस स्टोरी जो कि पीयूष शर्मा की, जो कि जयपुर से बिलोंग करते हैं, उनकी स्टोरी थी। उम्मीद है आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। थैंक यू, गुड बाय, वापस से मिलेंगे एक नई स्टोरी के अंदर, एक नए अपने वाईफाई स्टडी परिवार के बच्चे के साथ में, जो कि अपना एम जो है वो वाईफाई स्टडी की मदद से अचीव करेगा। थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।